नमस्कार मावर्चा में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी बेटी की आंख नाक कान की कैसी सफाई करती हूँ, या समझ लीजिए बॉडी की कैसी सफाई करती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो देखिए, आंखों की सफाई सबसे पहले आपको मॉर्निंग में ही करनी चाहिए। अगर बच्चे की आंख में कीचड़ दिख रहा है तो तुरंत ही क्लीन कर देना चाहिए। और हो सकता है हर एक बच्चे में नहीं होता है, जैसे मेरी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था, उसके टीयर डक्ट है जो वो ब्लॉक हो गए थे। तो उसके बर्थ के 10 दिन बाद से उसके आंसू बहुत ज्यादा निकलते थे और बहुत ज्यादा कीचड़ बनता था उसकी आंखों पे। तो ये हम लोग का डेली रूटीन था, हम दिन में 3-4 बार उसकी आंखों को क्लीन करते थे। और डॉक्टर ने हमें एक आई ड्रॉप भी दिया था जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो फैले नहीं। तो उसको क्लीन करने का, आंखों को क्लीन करने का भी एक तरीका होता है जो कि हमें डॉक्टर ने बताया था। देखिए क्या करना होता है, एक आपको गुनगुना पानी करना होता है, उसके बाद कॉटन बॉल ले लीजिए या साफ सुथरी कॉटन ले लीजिए। उसके बाद आप एक कॉटन बॉल जैसे लिए, उसको पानी में डुबोया, गर्म पानी जो आप लेकर आए गुनगुना पानी उसमें डुबोया, एक्स्ट्रा वाटर जितना है उसको आपको निकाल लेना है। उसके बाद बच्चे की इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक की एक बार ऐसे आपको क्लीन करना है। देन उसके बाद उस कॉटन को वापस से यूज नहीं करना, उसको आपको अलग कर देना है। इस तरीके से बार बार आपको कॉटन बॉल लेकर के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक में क्लीन करना है जब तक कि वो आंखें अच्छे से साफ नहीं हो जाए। और उसी कॉटन बॉल को आपको दूसरी आंखों पर भी यूज नहीं करना है, मतलब हर एक बार के लिए आपको नया कॉटन बॉल लेना है। आपको इधर से आउटर से लेके इनर पे इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हमारी टीयर डक्ट होती है। तो कभी ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन या टीयर डक्ट ही ब्लॉक हो जाए क्लीन करने के चक्कर में, या इन्फेक्शन वहां फैल जाए। तो इस चीज का मेक श्योर करना है, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ही क्लीन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार सुबह ही क्लीन कर देते हैं। छोटी बेटी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसको टीयर डक्ट ब्लॉक नहीं हुई है। इसका हम जैसे सुबह क्लीन कर दिया, एक बार मालिश के बाद भी क्लीन कर देते हैं। तो आंखों की सफाई ऐसे करते हैं। कानों की सफाई के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेबी वाइप्स यूज कर सकते हो। मैं मामा अर्थ की बेबी वाइप्स जो आती हैं वो यूज करती हूँ। तो होता क्या है, मालिश के दौरान हम बच्चे के कानों के पीछे ऑयल वगैरह है तो लगाते हैं, तो जब आप इसको वाइप से मालिश के बाद क्लीन करते हो तो बहुत ईजिली जो भी डर्ट है जमा हुआ वो निकल आता है। लेकिन कानों के अंदर की सफाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ईयरबड ले लो और ईयरबड को थोड़ा सा जो भी जिस भी मालिश का जो भी ऑयल है आपका, उस ऑयल में थोड़ा सा ऐसे डिप कर लो और फिर कान के जो अंदर का एरिया है उसको क्लीन कर सकते हो। बहुत अंदर नहीं, जहाँ पर वैक्स होता है उसमें नहीं, जो बाहर वाला एरिया होता है। जनरली वो क्लीनिंग हमसे करते बनती नहीं है वॉश क्लोथ से, तो ईयरबड बेस्ट होता है। आप ऐसे हल्के हाथों से बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। बच्चे को या तो फीड कराते वक्त करा लो, क्योंकि बच्चा हो सकता है उस टाइम पे नहीं कराए। अब बात करते हैं बच्चे की नोज की। तो नोज को आप जैसे आप फेस वाइप करते हो सेम उसी तरीके से आपको वॉश क्लोथ से या कॉटन के कपड़े को अच्छे पानी में निचोड़ करके क्लीन करना है। अगर बच्चे की नोज में म्यूकस दिख रहा है और वो ड्राई है काफी, तो आप नसल सलिन ड्रॉप आता है डॉक्टर से पूछ सकते हो, उसकी आप दोनों नोस्ट्रल्स में एक एक बूंदे डाल दो। दिन में 3 बार जैसे आप उन बूंदों को डालोगे तो जो म्यूकस है वो रिलीज कर पाएगा बच्चा, फिर आप बाद में उसको आसानी से क्लीन कर सकते हो, कपड़े से आप साफ कर सकते हो। अब बात करते हैं टंग की। तो टंग क्लीन करना वैसे कई लोग नहीं करते हैं टंग क्लीन, बट हमारे यहाँ पे किया जाता है। जनरली जो हमारे यहाँ मालिश वाली आंटी आती है तो वो बच्चे को जब स्पंज करती है, नहलाती है, उसके पहले वो अच्छे साफ सुथरे कपड़े से टंग को जरूर क्लीन करती है। उसके लिए क्या करना है, जैसे वॉश क्लोथ को आपने ड्रिंकिंग वाटर से निचोड़ लिया, उसके बाद अपने इस फिंगर में फंसा करके कोई भी कॉटन का कपड़ा या हैंकी या जो भी है वॉश क्लोथ जो कि बच्चे का ही हो, उसको आपको इस फिंगर में लपेटना है और बच्चे के माउथ में बहुत ही हल्के हाथों से आपको बच्चे की टंग को क्लीन कर देना है, बच्चे के गम्स को क्लीन कर देना है और बच्चे के जो अंदर साइड के चीक्स हैं उनको भी आपको क्लीन कर देना है। बहुत इजीली करा लेता है बच्चा और ऐसा करना भी चाहिए, वरना क्या होता है बच्चे को फीड कराते हैं तो एक लेयर, मतलब दूध की लेयर रह जाती है और जिससे कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, हमेशा नहीं बट कई बच्चों में हो जाता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बॉडी में फोल्ड्स की। तो ये देखिए, फोल्ड्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट जब आप मसाज करते हो तो वहां पर आप ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल लगा दो, फिर जब आप उसको क्लीन करोगे, स्पंज करोगे या फिर साफ करोगे तो बहुत इजीली वो डर्ट निकल आएगा। मेक श्योर करिएगा बच्चे के बॉडी में जितने भी फोल्ड्स हैं, जैसे नेक के पास हो गया, रिस्ट के पास हो गया, एल्बो के पीछे, नी के पीछे, जेनिटल के पास
और थाई पे ये सारे फोल्ड्स क्लीन करने हैं, क्योंकि होता क्या है स्किन चिपक जाती है जब आप वहां पर अच्छे से ऑयल नहीं लगाते हो या फिर उसको क्लीन नहीं करते हो, तो वहां पर काफी रैशेज हो जाते हैं। सो बेबी के स्किन फोल्ड्स को क्लीन करने के लिए और बॉडी को क्लीन करने के लिए मैं ममा अर्थ का ऑर्गेनिक बैम्बू बेस्ड वाइप्स यूज करती हूँ। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है और 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसमें कैस्टर ऑयल और एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट है। ये बेबी की डेलिकेट स्किन के लिए बिल्कुल जेंटल है, सेफ है, तो आप न्यूबॉर्न बेबीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे बेबी के जो स्किन फोल्ड्स हैं, स्किन पे जो भी डर्ट है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप देख रहे हो जैसे मैं सिद्धी का आर्मपिट वगैरह क्लीन कर रही हूँ और नी के पास नेक का जो फोल्ड है सब कुछ इससे क्लीन हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो ये mamaearth.in पे अवेलेबल है ही, साथ ही आपको ये फर्स्ट क्राई और अमेजोन पर भी मिल जाएगा। आपको तीनों वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप मेरा कूपन कोड MABA2022 mamaearth.in पे यूज़ करते हो तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। mamaearth पे अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री प्लान करते हैं और उस ट्री की जियो लोकेशन सारी इन्फॉर्मेशन ये आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही आप चाहे तो mamaearth का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है कि आप बच्चे की क्लीनिंग पे, बॉडी क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा।